G20 इंडिया सचिवालय द्वारा नागपुर प्रेस क्लब में पत्र परिषद आयोजित की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रामभाव म्हालगी और G20 सचिवालय के संरक्षक डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि बड़े गर्व की बात है, इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के कारण पूरे देश में बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं, जिसका समापन दिल्ली में समिट कर होगा। सहस्रबुद्धे ने कहा कि G20 के करीब 11 एंगेजमेंट ग्रुप है, जिनमें सिविल एक है। इसका उद्देश्य सिविल सोसाइटी NGO डेवलपमेंट सेक्टर के नजरिए को G20 के राष्ट्र अध्यक्ष तक पहुंचाना होता है। G20 इंडिया के अध्यक्ष की जिम्मेदारी माता अमृता नंदनमयी के पास है और C20 सचिवालय की जिम्मेदारी म्हालगी प्रबोधनी निभा रही है। इसकी एक टीयरिंग कमेटी और एक इंटरनेशनल कमेटी है, जिसमें देश और विदेश के लोग शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि सिविल 20 देश भर में बहुत सारी बैठकें आयोजित कर रहा है, जिसमें नागपुर की बैठक सबसे महत्वपूर्ण है। इस बैठक में पिछले कुछ महीनों से जो कर्म हो रहे हैं उन पर चर्चा होगी। सिविल 20 इंडिया ने 14 विषय चुने हैं, इन विषयों पर अलग अलग सत्रों में चर्चा होगी। जयपुर में होने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बैठक एक पॉलिसी पैक रिलीज किया जाएगा, जिसे G3 को सौंपा जाएगा। सिविल 30 इंडिया में कुल 14 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। इन वर्किंग ग्रुप में शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, पर्यावरण, कारगिरी, सेवा, लोकतंत्र, मानवाधिकार, सतत विकास जैसे विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों पर विचार रखने के लिए देश और विदेश के जाने माने विद्वान, NGO एक्टिविटीज पॉलिसी मेकर आएंगे। अब तक जिन लोगों को आने का आग्रह किया गया है, उनमें से प्रमुख है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के प्रमुख शाम्बीश जी के शेरपा, रामभाऊ म्हालगी प्रबोधनी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निवेदित भिड़े, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, इंडोनेशिया के समाधान, ब्राजील की एलसेंड्रा नीलो, अर्जेंटीना की गुलिया मीना, इटली से रिकॉर्डी मोरो, अमेरिका से जॉन रोमानी आदि। G20 के बारे में अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट civil20.net से प्राप्त की जा सकती है। डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे ने आगे बताया कि C20 इंस्पेक्शन कॉन्फ्रेंस नागपुर के रेडिसन ब्लू होटल में 20, 21 और 22 मार्च 2030 को आयोजित होगी। 22 मार्च को C20 के प्रतिनिधि सेवा ग्राम देखने जाएंगे। 20 मार्च की शाम को फुटाला लेक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सब जानते हैं कि G20 इसकी जो गतिविधियां प्रारंभ हुई, उसके बाद अभी 18वीं बैठक भारत में हो रही है और उसका शिखर सम्मेलन सितंबर महीने में होगा इस वर्ष के। मगर G20 का काम दिसंबर से ही शुरू हुआ है, क्योंकि एक साल भारत के पास इसकी अध्यक्षता रहने वाली है और तरह तरह के विषयों को लेकर मंत्रियों की बैठकें और जिसको एंगेजमेंट ग्रुप बोला जाता है, ऐसे ग्रुप्स की बैठकें हो रही हैं। ऐसे लगभग 20 एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें लेबर 20, वीमेन 20, यूथ 20, साइंस 20, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। इसी में एक है सिविल सोसाइटी 20, जिसको सिविल 20 के रूप में जाना जाता है। जिस देश में G20 की बैठक होती है, उसी देश में इस एंगेजमेंट इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो सिविल 20 की भी बैठक भारत में ही G20 के एक अंग के रूप में हो रही है। और सिविल 20 के लिए इस पूरे विषय की अध्यक्षता कर रही है भारत की एक आध्यात्मिक और सामाजिक नेत्री, श्रीमती माता अमृतानंदमयी देवी जी। उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसके सेक्रेटरिएट का दायित्व रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी को मिला है, क्योंकि रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी भी स्वैच्छिक क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही है। इसी के साथ आध्यात्मिक नेता श्री एम, ये भी इस समूह के एक प्रमुख है। विवेकानंद केंद्र और उनकी श्रीमती निवेदिता भिड़े, ये भी इस समूह की एक प्रधान कार्यकर्ता है। और इन सभी के सहयोग से, उन सभी के मार्गदर्शन में C20 का प्रारंभ अधिवेशन, जिसको इंसेप्शन मीटिंग कहा जाता है, ऐसी इंसेप्शन मीटिंग
तो C20 की प्रारंभिक कॉन्फ्रेंस, जिसको इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ऐसी इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस नागपुर में करना तय हुआ है। नागपुर देश का केंद्र तो है ही, मगर स्वैच्छिक कार्य का, स्वयंसेवी कार्य का भी एक दृष्टि से केंद्र है, और इसलिए आने वाले 20, 21 और 22 मार्च को ये कार्यक्रम नागपुर में होगा। इसके पीछे जो सैद्धांतिक धारणा है उसको भी मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, और जो विभिन्न विषय इसमें चर्चा के लिए आएंगे उसके बारे में भी आपको अवगत करा रहा हूँ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़े के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।